खूंटी से अगवा किए गए 4 जवानों को मुक्त करवा लिया गया है। हालांकि पुलिस ने उन्हें मीडिया के सामने नहीं लाया है। तो वो विवश होके अल्टीमेटली कल हमारा जो साइको थाना है उससे करीब 40-45 मिनट के वॉक के डिस्टेंस पे इनको छोड़ दिए और इनको थाना का रास्ता बता दिया जहाँ से ये लोग थाना आए। चौथा जवान कैसे वो उसका कहाँ से वो मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे जब वो जो हमारी पुलिस वहाँ जब पत्थलगड़ी घाघरा में जिस दिन प्रस्तावित थी वहाँ पर हमारी एक टुकड़ी वाहनों के साथ थी। तो जब ग्रामीण उस टुकड़ी पर आए थे तो वो गाड़ियों के लोग तो चले गए थे बट ग्रामीणों ने बताया कि एक जवान पानी पीने के लिए वहाँ पर गया था। तो उसी के पीछे जब ग्रामीण आई थी तो ग्रामीण जब आए थे तो ये बंदा पानी पीने के बाद वहीं पर बैठा हुआ था। तो ये प्लस 3 आदमी को वहीं से ले जाया गया था लेकिन वहाँ पर उनके घर के जितने लोग थे और गार्ड के जो बचे लोग थे उन लोगों ने इन 3 लोगों के ही अपहरण की पुष्टि दी थी। हम मैं और DIG साहब जब जांच में गए थे तो हम लोगों को इस बात का पता चला था कि एक जवान था जो पानी पीने पहले गार्ड में गया था उसी के पीछे ये लोग आए थे। तो उसके बाद हम लोग ये पता करने का प्रयास कर रहे थे कि ये जवान कौन है। तो उसमें इतनी जानकारी मिली थी कि एक जवान है जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी वो गया था। तो उसके बाद हम लोग ये छानबीन कर ही रहे थे कि ये अस्पताल गया कहाँ गया। पर नक्सलियों की तरफ से भी जो वीडियोस रिलीज़ किए गए थे उसमें 3 के अपहरण की पुष्टि की गई थी तो इसीलिए उस पर छानबीन चल ही रहा था। इस बीच ये देहावोल नहीं लाया है। IG नवीन कुमार सिंह ने थोड़े देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें पूरे मामले की जानकारी दी जिसमें उन्होंने कहा कि चारों जवान अभी फिलहाल पुलिस के साथ अभियान में निकले हुए हैं क्योंकि वही बता सकते हैं कि उन्हें कहाँ रखा गया था और कौन कौन लोग उनके अपहरण में शामिल थे। निश्चित रूप से इससे पहले सिर्फ 3 जवानों के अपहरण की सूचना थी लेकिन आज जब 4 जवान सामने आए हैं तो उसकी स्टोरी पर नवीन कुमार सिंह जो IG हैं उन्होंने कहा कि एक जवान पानी पीने के लिए भगदड़ के समय रुक गया था जिसे पत्थलगड़ी समर्थक लौटते समय अपने साथ लेते गए थे। सभी जवान सुरक्षित हैं स्वस्थ हैं यह कहना है IG का। निश्चित रूप से IG का यह भी कहना है कि अब इस पूरे इलाके में बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। ग्रामीणों को समझाया जाएगा कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो उन्हें बरगला रहे हैं और सरकार के खिलाफ कर रहे हैं ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। फिलहाल अभियान चल रहा है क्योंकि 3 इंसास राइफल बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और मानकर यह चला जा रहा है कि जल्द ही राइफल भी बरामद कर लिया जाएगा। खूंटी से मैं प्रशांत कुमार ETV भारत के लिए।